हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हमारा आखिरी दिन है यहाँ पे, तो आज तैयारी कर रहे हैं। आज यहाँ से चेकआउट कर जाएंगे और सीधे बीच में अगर एक दो स्टॉप लेंगे और फिर अपन सीधे पहुँचेंगे अपने घर पे। उससे पहले मैं आपको इस प्रॉपर्टी का एक बार टूर ज़रूर दे दूँगा, तो एक बार रूम का टूर दूँगा और उसके बाद इस एंटायर प्रॉपर्टी जो नीचे है उसका टूर दूँगा। तो बने रहिए चैनल पर। देख सकते हैं अभी यहाँ पे फ़िलहाल तो बर्फ़ नहीं पड़ी, लेकिन अगर आप कुछ दूरी पर देखोगे तो शायद वहाँ पे आपको पीक्स पे स्नो दिखना स्टार्ट हो जाएगी। मैं आपको एक बार जूम करके दिखाता हूँ, अब शायद आपको दिख रही होगी। ये जो स्नो है, ये जो माउंटेन्स है उस पर एकदम से वाइट सारी स्नो आ रही है, लेकिन अभी यहाँ पर टेम्परेचर इतना 0 से नीचे ड्रॉप नहीं हुआ है, तो यहाँ पर अभी
कोई जो स्नो है वो अभी नहीं पड़ रही है, अगर आप देखना चाह रहे हो तो। यहाँ पे अभी जितने भी पहाड़ हैं अभी अपनी ग्रीनरी को कंटिन्यू करके रखे हुए हैं। अभी जब जहाँ पे थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा डाउन होगा फिर जाके आपको यहाँ पे स्नोफॉल देखने को मिलेगा, लेकिन आई थिंक दिसंबर के लास्ट में या मे बी जनवरी के फर्स्ट वीक में आपको स्नोफॉल देखने को मिल जाएगा। तो अगर देखोगे यहाँ पे, अगर आप देख सकते हो तो, लेकिन यहाँ से इसके पीछे जो माउंटेन्स है उस पर देखो आप क्लियरली देख सकते हो कि स्नोफॉल हो रहा है और वाइट वाइट से पीक्स दिख भी रहे हैं। अगर कैमरा पता नहीं कितना जस्टिफाई कर रहा है, लेकिन अगर आप देखोगे तो वो पहाड़ के पीछे एकदम से वाइट वाइट सी जो एक लेयर दिख रही है वो जो माउंटेन सा पीक्स है उस पर स्नोफॉल होना स्टार्ट हो गया है। और इधर की तरफ भी थोड़े से अगर आपको माउंटेन्स दिख रहे होंगे तो वहाँ पे भी स्नोफॉल स्टार्ट हो गया। बाकी यहाँ पे तो अभी ग्रीनरी है और सारे पेड़ पौधे हैं अभी तो यहाँ पे स्नोफॉल देखने के लिए तो थोड़ा सा समय लगेगा। देख सकते हैं यहाँ पे हमारी गाड़ी नीचे पार्किंग में खड़ी हुई है। इस प्रॉपर्टी का जो पार्किंग एरिया है वो इतना है, यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ 7-8 व्हीकल्स हैं, 4-व्हीलर्स, वो यहाँ पे आराम से पार्क हो जाएंगे। और जो नीचे आप देख रहे हो ये इनका अभी थोड़ा सा सही नहीं है, लेकिन ये इनका आई थिंक बोन फायर एरिया है। जब वो सीजन अच्छे से स्टार्ट होता है तो उसकी सफाई हो जाती है, तो यहाँ पर ये लोग बोन फायर लगा देते हैं। बाकी नीचे छोटी सी ट्रेल है, अगर आपको घूमना है या फिर आपको थोड़ा सा चलना है तो उस ट्रेल का आप यूज़ कर सकते हैं। एक बार मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये छोटी सी ट्रेल है।